दोस्तों, आईकू ने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था अपने आईकू 8 स्मार्टफोन को चाइना में, जो कि एक काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। एंड दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे इसे सर्टिफाइड होते हुए स्पॉट कर लिया गया है। एंड दोस्तों, इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को एंड प्राइस को भी लीक कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की। 8.63 mm स्मार्टफोन थिक होगा एंड 199.9 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगी एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा। तो डिजाइन के मामले में काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है स्मार्टफोन। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.56 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा। 10 बिट यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी एंड HDR 10 प्लस सर्टिफाइड होने वाला है स्मार्टफोन। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का होगा मेन OIS कैमरा, जो कि सोनी का IMX598 सेंसर होगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन वाला फीचर भी देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंट्रली अलाइन सिंगल पंचोल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 8GB/12GB LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी एंड 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4350mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 120W की सुपर फास्ट चार्जिंग भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 to 100% इन जस्ट 15 मिनट चार्ज कर देगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये स्मार्टफोन ओरिजिन OS 1.0 पर रन करेगा एंड एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। लेकिन दोस्तों, जब ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, तो यहाँ पे आपको फनटच OS 11.1 देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। डुअल 4G वोल्ट होगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा एंड NFC का भी सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन ऑफ बटन होगा एंड वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। डुअल एक्स एक्सिस लीनियर मोटर होगी एंड 4D गेम वाइब्रेशन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कलर वेंट्स की, तो यह स्मार्टफोन चाइना में 3 कलर वेंट्स में लॉन्च हुआ है, BMW मोटर स्पोर्ट एंड ब्लैक एंड ऑरेंज कलर वेंट में। एंड ये तीनों कलर वेंट्स आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों, अगर लीक्स की माने, तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में 45,000 से 50,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल सकता है। बात करें इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन नवंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको आईकू 8 5G स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।